बढ़ते ऑनलाइन कामकाज के चलन ने जहां आम दिनचर्या को आसान बनाया है, वहीं ऑनलाइन फ्रॉड के चलते लोगों को परेशानी में भी डाला है। राजस्थान के भरतपुर के मेवात क्षेत्र में बढ़ते साइबर अपराध के ऐसे ही मामले लोगों की परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर ठगी के लिए देश में बदनाम राजस्थान के भरतपुर का मेवात क्षेत्र किसी जमताड़ा से कम नहीं है। यहाँ ठगों द्वारा लोगों को अनेक प्रकार से ठगी का शिकार बनाते हैं। इतना ही नहीं, देश भर के आम लोगों सहित 24 राज्यों के पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनेताओं को भी अपनी ठगी का शिकार भी बना चुके हैं। सेक्सटॉर्शन, ओएलएक्स आदि फ्रॉड के चलते ये ठग लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। इसको लेकर पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि जिले में ये ठग पश्चिम बंगाल और असम से सिम मंगवाकर एक्टिवेट करते हैं और लोगों को अपने झांसे में लेकर उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं। साइबर क्राइम जो देश के हिस्सों में यहाँ के अपराधी करते हैं, वो बाहर की जो सिम है, उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम से, वहाँ से एक्टिवेटेड सिम में तो यहाँ ला कर के उसे यूज करके करते हैं। करीब 1,36,000 सिम को ब्लॉक करवाया है DOT के माध्यम से। इतने ही हैंडसेट जो है जिनमें ये सिम यूज होती है उनको ब्लॉक करवाया है। उसका काफ़ी प्रभाव आया है और साइबर क्राइम पर काफ़ी नियंत्रण हुआ है। इसके अलावा मैन्युअली सूचना कलेक्शन करके भी हमने अपराधियों की धरपकड़ करके उनको कंपूस लगाया है। साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज ऑनलाइन का युग है, लोगों को अपने पासवर्ड बार बार बदलने चाहिए। ये ठग OLX, सेक्सटॉर्शन सहित फर्जी विज्ञापन देकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। लोग किसी भी लालच और झांसे में ना आए, फ्री और सस्ते में कुछ भी नहीं मिलता और लोगों को तुरंत 1930 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ठगी हो गई है तो सबसे बढ़िया है आप 1930 नंबर पे कंप्लेन करें, तुरंत करें, जिससे कि आपका जो पैसा किसी खाते में चलाएगा तो वहीं पर रुक जाएगा और आपके खाते में वापस कंप्लेन करने पर आ जाएगा। इसलिए 1930 पर तुरंत कंप्लेन करें, उसके बाद साइबर थाने आए आप अपना हो गया तो हमेशा वेरीफाई करें और फ्री में सस्ते में कहीं भी कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं आ। वही व्यापारी सुनील कुमार का कहना है कि भरतपुर का मेवात क्षेत्र साइबर क्राइम में बहुत आगे निकल चुका है। साइबर क्राइम से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए और किसी भी तरीके से फ्रॉड कॉल से बचना चाहिए। हमारे भरतपुर क्षेत्र का मेवात क्षेत्र जो है वो भी साइबर क्राइम में बहुत अग्रणी पहुंच गया है। तो आप लोगों को, सभी चैनल के व्यूअर्स को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि साइबर क्राइम से बचने के लिए आप खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, स्वविवेक से फैसला लेना होगा। साइबर क्राइम से बचने के लिए सिर्फ सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। आज के समय में ऑनलाइन लेन देन करना लोगों के जीवन की दिनचर्या बन चुकी है, जिसे सुचारू और सुरक्षित करने के लिए सतर्कता ही सबसे कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।